हेलो मित्रों, हमारा ब्रह्मांड बहुत सारी अनसुलझी घटनाओं का साक्ष्य है तथा इस ब्रह्मांड ने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारे ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हो सकता है हमें पता लगाने में कई हजार वर्ष और लग सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मांड अंतरिक्ष में बसा हुआ है। अंतरिक्ष अनंत और विशाल है। यह संपूर्ण अंधकार से भरा हुआ है जिसमें कुछ प्रकाशमान तत्व विद्यमान हैं जिसके कारण हम ग्रहों को देख पा रहे हैं और तारों को समझ पा रहे हैं। इस अंधकार में छोटी सी उजाले की किरण भी बहुत बड़ी चमकती हुई दिखाई देती है। एक पृथ्वीवासी के लिए सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है और इससे बड़ा प्रकाश का कोई स्रोत सौरमंडल में उपस्थित नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में, जिसे हम अंतरिक्ष का हिस्सा भी कहते हैं, यह ब्रह्मांड अनंत ऐसे सूर्य को अपने अंदर समाये हुए हैं जो हमारे सूर्य से भी कई हजार और लाख गुना बड़े हैं। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मांड के सारे अंग, जैसे कि तारे, सितारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य कहीं सूक्ष्मपिंड विराजमान हैं। अंतरिक्ष में झूलते हुए यह सभी कण अंतरिक्ष के ही हिस्से हैं। अंतरिक्ष यदि हम किसी परिभाषा में परिभाषित करें तो इसका परिभाषण यह होगा कि एक पृथक तत्व से दूसरे पृथक तत्व के बीच की दूरी को अंतरिक्ष कहा जाता है। इसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच के दूरी को इसे हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। अंतरिक्ष का शाब्दिक अर्थ अंतर में स्थित रिक्त स्थान होता है और इसी अंतर में स्थित रिक्त स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष दिखने में पारदर्शी है और अनंत दिशाओं में फैला हुआ है। अंतरिक्ष अपने अंदर कहीं ब्रह्मांड को समाये हुए हैं। अंतरिक्ष में कहीं आकाशगंगाएं हैं, कहीं सौरमंडल लाखों की गणना में उपस्थित हैं। अंतरिक्ष अत्यंत ही विशाल है। अंतरिक्ष में हर समय कहीं ब्रह्मांड नष्ट होते हैं और दूसरा ब्रह्मांड पैदा होता है। एक ग्रह और दूसरे ग्रह में पैदा होने तथा नष्ट होने का समय अत्यंत ही सूक्ष्म है। अंतरिक्ष में हर समय कहीं ऐसे पल आते हैं जो कहीं हजारों या फिर लाखों करोड़ों वर्षों में इंसान के द्वारा देखे जाते हैं और ऐसे पल हर समय अंतरिक्ष में घटते रहते हैं। लेकिन यदि हम अंतरिक्ष को देखने की कोशिश करें तो एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच की दूरी को देखा जा सकता है, लेकिन उस दूरी में स्थित खालीपन को नहीं देखा जा सकता है और उसी खालीपन को अंतरिक्ष कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष हर दिशाओं में प्रकाश की गति से बढ़ रहा है और यह हर समय बढ़ रहा है तथा कहीं करोड़ों और अरबों वर्षों से यह ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष को दूर से देखने में इसमें बिल्कुल अंधेरापन दिखता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के ग्रहों और तारों की रोशनी में तथा महान सूर्य के प्रकाश में हम कहीं ग्रहों को देख सकते हैं। यदि सूर्य जैसे तारे न होते तो इस अंधेरे अंतरिक्ष में कोई भी ग्रह दिखाई नहीं देगा। जो अंधेरा पृथ्वी पर रात के समय बिना चाँद के होता है, वही अंधेरा अंतरिक्ष में होता है। अंतरिक्ष का एक रहस्य है कि अंतरिक्ष मुख्य रूप से पृथ्वी के तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और इस 100 किलोमीटर के मध्य हमारा वातावरण मंडल होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की हवा नहीं होती, उसमें केवल वैक्यूम होता है, वो अर्थात अंतरिक्ष में एक निर्वात है। इसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि को विचरण करने का मार्ग नहीं मिलता है, इसलिए इसे निर्वात कहा जाता है। जब अंतरिक्ष में कहीं ग्रह आपस में फट जाते हैं तो उसकी आवाज़ पृथ्वी तक नहीं आती, क्योंकि आवाज़ आने के लिए वायु का होना आवश्यक है और यदि वायु ना हो तो ध्वनि विचरण नहीं कर सकती है। इसलिए अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं की ध्वनियाँ अक्सर पृथ्वी तक नहीं आती हैं। हमारे अंतरिक्ष में हर प्रकार के ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, एक्सिस बैंक, नक्षत्र, तारे, ब्लैक होल, मैग्नेटिक फील्ड, धूल के कण और विभिन्न प्रकार की गैस उपस्थित हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी से देखने में जितना प्यारा लगता है वह उतना ही खतरनाक भी है। अंतरिक्ष में भयानक रेडिएशन भी उपलब्ध होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, कॉस्मिक रे और मैग्नेटिक फील्ड तथा अल्ट्रावायलेट।
जैसी किरणें जो मानव शरीर को पूर्ण रूप से सद्विसद कर सकती हैं अंतरिक्ष में उपस्थित होती हैं। अंतरिक्ष के लिए मानव किसी भी प्रकार से विशेष नहीं है। हमें यह जानकर खुशी हो सकती है कि अंतरिक्ष के संदर्भ में हम मानव तथा अन्य जीव पशु पक्षी सभी एक जैसे हैं तथा हम सभी अंतरिक्ष के हिस्से हैं। अंतरिक्ष हमें काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। अंतरिक्ष में प्रकाश केवल बड़े तारों और उससे भी बड़े ग्रहों के कारण होता है। कहा जाता है कि प्रकाश एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रकाश जब एक वर्ष में कोई दूरी तय करता है तो उस तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है तथा अंतरिक्ष अरबों प्रकाश वर्ष से भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। अंतरिक्ष को प्रकाश से वर्ष से भी मापना संभव नहीं है। अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड स्थित है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है और ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं उपस्थित हैं और उन करोड़ों आकाशगंगाओं में अरबों की तादाद में ग्रह उपग्रह तारे सितारे तथा अन्य कहीं सूर्यमंडल उपस्थित हैं जिनकी गणना करना असंभव है। अंतरिक्ष में जीवन की खोज के ऊपर मानव ने अपना काफ़ी योगदान दिया है। पिछले 300 वर्षों से तथा इनसे भी पिछले कई वर्षों में मानव ने अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बढ़ाने का काम किया है। खगोल विज्ञानी गैलीलियो के समय से ही अंतरिक्ष में ग्रहों को देखा जा रहा है तथा उपग्रहों की चाल को समझा जा रहा है और इसी आधुनिक युग की शुरुआत में टेलीस्कोप का निर्माण हुआ था। टेलीस्कोप के निर्माण के बाद मैं मानव ने कई बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया है तथा अपने महान उपकरणों से अंतरिक्ष के कहीं ग्रहों का पूर्ण अध्ययन भी किया है तथा कहीं जगहों पर उड़न तस्तरी जैसे विमानों को देखा गया है जिसमें इंसानों के होने की संभावना नगण्य है तथा यह माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में मानव अकेले नहीं हैं तथा पृथ्वी पर जीवन अकेला नहीं है। ब्रह्मांड में और भी कहीं जगह पर जीवन उपस्थित हैं तथा वे सभी एक दूसरे को खोजने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार हम दूसरे ग्रहों पर जीवन को खोजने में लगे हैं उसी प्रकार अन्य ग्रहों पर भी जीवन को खोजा जा रहा है और इसलिए मानव अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए प्रयासरत है। अंतरिक्ष में मानव ने पहली बार कदम 12 अप्रैल 1961 में रखा था जहां रूस के पायलट यूरी अलेक्साविच गागरिन ने पृथ्वी के बाहरी अंतरिक्ष में 1 घंटा और 48 मिनट बिताए थे तथा यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा किया था। यह पहली बार था जब मानव ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। अंतरिक्ष में अंधेरा इसलिए रहता है क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश के भ्रमण हेतु निश्चित वायु या अन्य गैसों का मार्ग नहीं है और इसके लिए वहाँ पर आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं है। इसी कारण बड़े ग्रहों तथा तारों की रोशनी में दूसरे ग्रह और तत्व प्रकाश ग्रहण करते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए एक व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट बनाया जाता है और एक एस्ट्रोनॉट को वो सारी वस्तुएं अपने साथ रखनी होती हैं जो उसे पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन खाना पानी और अन्य कहीं सामान्य क्योंकि अंतरिक्ष में वो सब कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। अंतरिक्ष में पूर्ण रूप से निर्वात है। अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होती है इसलिए एक एस्ट्रोनॉट को अपने साथ कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखने होते हैं। इसी के साथ कुछ ड्राई फ्रूट तथा जमा हुआ खाना उन्हें अपने साथ रखना होता है जो समय के साथ खराब नहीं होता तथा उन्हें जमे हुए खाने के रूप में क्रेकर फ्रूट इत्यादि मिलते हैं और जमा हुआ खाना मुख्य रूप से ड्राई फ्रूट के रूप में पाया जाता है तथा अन्य कहीं खानों को जमाने की प्रक्रिया शुरू करी जा रही है तथा विभिन्न प्रकार के आहार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक एस्ट्रोनॉट को अपने साथ में इन सभी चीज़ों के साथ में स्लीपिंग बैग भी चाहिए होता है जहां पर वो सोते हैं क्योंकि कैप्सूल पर सोने के लिए अलग से जगह नहीं होती है। जब भारत ने अंतरिक्ष में जाने के लिए विचार किया था तब उस समय स्पेस रिसर्च के लिए बनाई गई इंडियन नेशनल कमेटी को 1962 में स्थापित किया गया था और उस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसमें अपना योगदान दिया था। इसके बाद मैं 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना तथा भारत के द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान में सही कदम उठाए जाने के लिए विक्रम साराभाई ने इसरो के रूप में भारत को नई दिशा प्रदान की
और आज के समय इसरो ने 101 स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें 3 नैनो सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट भी है। इसरो ने अब तक 72 सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है, और जिसमें से 269 विदेशी सैटेलाइट को भी इसरो ने लॉन्च किया है। आज के समय इसरो विश्व की सबसे सफल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। अब हमको ये जानने की ज़रूरत है, जिस ब्रह्मांड के बारे में हम आज तक इतने सारे सबूतों को इकट्ठा करने में सफल हुए हैं, उस धरती को किस तरह से हम प्रेम करें। हाँ, यस, सब हम पृथ्वीवासी बोल रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि जो हमें ज्ञात है, पूरे सौरमंडल में हमें महसूस होता है पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की कामना की जा सकती है, जिस भूभाग पर मानव और जीव जंतु निवास करते हैं और उसे माता का दर्जा देते हैं और पृथ्वी माता कहकर पुकारते हैं, और सभी मनुष्यों को जीव जंतुओं को पुत्र के समान प्रेम करती है और उनका भरण पोषण करती है, अपने सभी पुत्रों को देखकर खुश रहती है, वो हमेशा खुश रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। मानव भूभाग पर अनेक प्रकार के अनाज बोते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं, ये देखकर धरती माँ को बहुत खुशी मिलती है। वह हमेशा हरी भरी नजर आती है। धरती माँ का हरा भरा रहना ही हमारी पहचान और हमारा गौरव है। करोड़ों प्रकार के प्रजाति और जीव जंतु इस धरती पर मिलजुल कर रहते हैं, सभी आदर और सम्मान करते हैं और धरती को जननी के रूप में देखते हैं। जब पृथ्वी माता को क्रोध आता है तो सभी जीव जंतुओं को और उनके पुत्रों को झेलना होता है। जब धरती माता थोड़ा सा ही हिलती है या जब हल्की सी हलचल होती है तो सभी मानव जीवन और जीव जंतुओं पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। पृथ्वी के हिलने पर ही भूकंप और सुनामी जैसे त्रासदी का आना स्वाभाविक हो जाता है, और जब ये त्रासदी आती है तो केवल विनाशकारी ही साबित होती है। संपत्तियों का नुकसान, मानव जीवन का खात्मा और भी कई सारी तबाही होती हैं। इसलिए धरती हमेशा हर किसी को केवल एक संदेश देती है कि मुझे और मेरी बनाई हर चीज़ से प्रेम करो और आपका जीवन अपने आप खुशहाल बनेगा। अपनी माता को किसी भी प्रकार से कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। उनकी बनाई हुई अनमोल चीज़ों से प्रेम करना सीखो। इन सब बातों पर अमल किया तो धरती माता का प्रेम आपके प्रति केवल बढ़ता ही जाएगा और आपको बेहतर भविष्य के लिए सदैव कामना करेंगी। वैसे तो माता सभी को प्रेम करती हैं, परंतु धरती माता को भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है, और वह भी भारत के निवासियों से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। अपना प्रेम भारत के निवासियों पर बनाए रखती है, क्योंकि माता के द्वारा बनाई गई अनमोल चीज़ों को पूजा करके प्रदर्शित करते हैं, जैसे पेड़ों की पूजा, नदी की पूजा, पर्वत की पूजा इत्यादि। यह देखकर धरती माता को बहुत खुशी की अनुभूति होती है। इसलिए माता भारत के निवासियों पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे ज़्यादा अनमोल ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन सार्थक है, और पृथ्वी हम जीव जंतुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी भी देती है। पृथ्वी की रक्षा हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। इसने पृथ्वी पर जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। इसी कारण हमारे पृथ्वी पर से बहुत से पशु पक्षी कहीं खोकर रह गए हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा भी कई सारे जीव जंतु और पशु पक्षी भी हैं। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें उन प्रजातियों के बारे में भी सोचना चाहिए। थैंक यू आइस वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।